अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। कहता है कि इसकी माँ है ज़बा उर्दू, आदमी नहीं इंसान है ज़बा उर्दू, उर्दू से करो इश्क तो ये जानोगे, हर एक पर मेहरबा है ज़बा उर्दू। हम अब दावत दे रहे हैं जनाब मोहतरम शाहिद लतीफ़ साहब, मुदीर रोज़नामा इनकलाब मुंबई। इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा। तुझसे उर्दू में जान आती है, तुझसे उर्दू में जान आती है, तुझको उर्दू ज़बान आती है, तुझको देखा है हमने महफिल में, तेरे हिस्से में शान आती है। अस्सलामु अलैकुम जनाब सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, साहिब इफ्तिताह हसन कमाल साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, लंदन से तशरीफ़ लाए हुए फ़हीम अख्तर साहब, हमारी महफिल में ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाई कामिनी जाधव साहिबा, मेरे अज़ीज़ शोएब हाशमी साहब और ये अहले इल्म का मजमा जो बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन मुशीर भाई ने और इम्तियाज़ ने ऐसे ऐसे लोगों को जमा किया है जो अपने आप में एक अंजुमन है, जो असर रसूख रखने वाली शख्सियतें हैं, जिनका अपना एक दायरा असर है। और आज के ज़माने में भीड़ जमा करने का रिवाज बहुत हो चुका, हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, और वो भीड़ क्या करती है हम आप सब जानते हैं। तो इन हजरात ने भीड़ से बचने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। इस सेमिनार के लिए, इस फेस्टिवल के लिए मैं इन हजरात को और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि 2 साल के एक तातुल के बाद, जिसमें सरगर्मियाँ ठप हो गई थी, मिलना मिलाना ठप हो गया था और बहुत कुछ हुआ, न जाने कैसी कैसी कैफियतों से हम लोग गुजरे, उसके बाद ये महफिल बरपा की गई तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और आपने देखा कि मैं हमेशा ताखिर से जाता हूँ, आज मैं वक्त से पहले यहाँ पर हाज़िर हो गया था, इसलिए कि ये मुझे महफिल अज़ीज़ है, इस तरह की सरगर्मियाँ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इस फेस्टिवल का उन्वान है महाराष्ट्र में उर्दू की सूरत हाल। अब जो है वो आप दीगर रियासतों के मुकाबले में महाराष्ट्र की सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहेंगे तो यकीनन बड़ा हौसला अफजा मंजरनामा आपके सामने होगा, इसलिए कि रियासत के तूलो अर्ज में दूर दूर तक उर्दू स्कूल, उर्दू दर्जगाहें कायम हैं, न सिर्फ प्राइमरी स्कूल हैं बल्कि सानवी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, ये उर्दू अदारों के जरिए 3765 देखिए कमाल साहब ने उसका सबूत भी पेश कर दिया, बल्कि आदाद शुमार के साथ पेश किया, 3765 उर्दू अदारे हैं इस रियासत में। तो ये इस रियासत की खुशनसीबी है, यहाँ के अवाम की खुशनसीबी है, अहले उर्दू की खुशनसीबी है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र की इन सरगर्मियों को देखते हुए दीगर रियासतें इसकी कद्र करती हैं, इसकी जानिब बहुत ही ललचाई भी नज़रों से देखती हैं और इसमें कशिश महसूस करती हैं। जब आप उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों से मिलेंगे जो अहले उर्दू हैं और जो अहले उर्दू नहीं हैं वो भी, इसके अलावा आप गुजरात के लोगों से मिलेंगे या आप और दीगर किसी भी रियासत का जिक्र कर लीजिए, वहाँ के लोगों से जब मिलेंगे और आप उनको इल्म होगा कि आप महाराष्ट्र से आए हैं तो यकीनन
इससे पहले कि वो आपके बारे में जाने, उनके दिल में कदर व मंजिलत का एक जज्बा उभरता है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारी रियासत के लिए, इस सरजमीन महाराष्ट्र के लिए। तो दीगर अगर हम इस मौजू के तहत जमा हुए हैं और कल भी जमा होंगे कि महाराष्ट्र में उर्दू की सूरत हाल क्या है, तो यकीनन उर्दू की सूरत हाल बहुत अच्छी है, बहुत हौसला अफजा है और खुशाइंद भी है, सबसे अच्छी। लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जिसमें थोड़ी सी तलखी भी है, थोड़ी सी शीरीनी भी है, थोड़ा सा दावत फिक्र अमल भी है और कुछ समझने की कोशिश भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सेमिनार करें तो और उसमें 10 स्कॉलर्स को बुलाएं, ये मेरा तजर्बा भी है कि 10 स्कॉलर्स जो हैं वो उनके खुतबात आप जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि उनमें एक उमूदी लकीर है। 4 से 5 लोग जो है वो ये कहेंगे कि उर्दू का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, और 4 से 5 लोग या 6 लोग जो है ये कहेंगे कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत महफूज है, बहुत ताबनाक है। तो मुझ जैसा तालिब इल्म जो सामे के तौर पर इस महफिल में या सेमिनार में मौजूद है वो ये सोचता है कि इतने बड़े स्कॉलर्स हैं, इनकी गुफ्तगू से जो बात छन कर सामने आ रही है, एक ग्रोह कह रहा है कि उर्दू का मुस्तकबिल गैर महफूज है इसलिए कि बच्चे अंग्रेज़ी की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जो है वो उर्दू में दिलचस्पी नहीं लेते, उर्दू की तहजीब ख़त्म हो रही है, उर्दू के शोरा और उदबा को पढ़ा नहीं जा रहा है, मुताले का फुकदान है, वगैरह वगैरह। और दूसरा गिरोह ऐसा है जो ये कहेगा कि नहीं साहब, उर्दू का मुस्तकबिल बहुत महफूज है इसलिए कि इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि उर्दू का मुस्तकबिल वाकई महफूज है या वाकई गैर महफूज है, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई यानी वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिसको मैं फैसला कुन कह सकूँ, लेकिन इसलिए कि मुझे 5 ही मिनट का वक्त दिया गया है, वरना इस पर मैं तफसील से बात करता और आपको बताता कि उर्दू असल में है कहाँ, मुस्तकबिल गैर महफूज है या वाकई महफूज है। लेकिन उतना वक्त नहीं है इसलिए मैं ये सवाल आपके जहनों तक पहुँचा रहा हूँ कि आपको भी सोचना है कि उर्दू का मुस्तकबिल वाकई महफूज है या वाकई गैर महफूज है। दूसरी एक चीज़ ये है कि हम में जो है वो बहुत सारे लोग उर्दू के ताल्लुक से गलतफहमी में मुब्तला हैं, या बहुत से लोग हैं जो गलतफहमी फैलाते हैं और हम उनको रोक नहीं पाते, और दूसरा एक गिरोह है जो बहुत खुशफहमी में मुब्तला है कि साहब हमारे पास गालिब हैं, हमारे पास चकबस्त हैं, हमारे पास में मुंशी दयानारायण निगम हैं, और हमारे पास जो है वो फिराक गोरखपुरी हैं, चुनाचे जो है वो हम तो बहुत कल्चरली रिच हैं, हम तो बहुत ही अजीम ज़बान के परवरदा हैं और इसके पासबान हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें न तो खुशफहमी में रहने की ज़रूरत है और न ही गलतफहमी की में, हमें खुशफहमी और गलतफहमी के दरमियान सही फहमी की ज़रूरत है। उसके बाद ये है, एक मेरा तजर्बा है, मुमकिन है आप उससे इत्तेफाक करें, मुमकिन है इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये सवाल मैं कायम कर रहा हूँ कि बेशतर उर्दू वाले उर्दू से बहुत कुछ हासिल तो करते हैं लेकिन उर्दू को देते कुछ नहीं है या बहुत कम देते। मुझे उर्दू से एक ज़बान मिली सोहेल लोखंडवाला साहब तशरीफ लाए, मुझे उर्दू ने बोलना सिखाया, उर्दू ने मुझे अल्फाज दिए, उर्दू ने मुझे एक तहजीब दी, उर्दू ने मुझे एक शाइस्तगी दी, उर्दू ने जो है वो मुझे मुलाजमत दी, उर्दू ने मुझे शोहरत दी, उर्दू ने मुझे मकबूलियत दी, उर्दू ने मुझे महबूबियत दी, मैं उर्दू को क्या देता हूँ? ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरे लोग कह सकते हैं कि भाई उर्दू हमने सीखी, उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल की, हमने BSc किया, हमने MSc किया, उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में हम बरसरकार हुए, हम बहुत अच्छे टीचर बने, हम जो है वो इतनी महाना हमारी तनख्वाह है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप उर्दू से हासिल कर रहे हैं। लेकिन उर्दू को दे क्या रहे हैं, ये जो है वो एहतसाब का तकाजा करता है। हम सबको सोचना चाहिए कि हम जिस ज़बान से इतना ज़्यादा हासिल कर रहे हैं उस ज़बान को क्या दे रहे हैं।
अब ये कि अगर मैंने उस्ताद का जिक्र किया, एक टीचर है या एक प्रोफेसर है, वो मतलब उसको इज्जत भी हासिल हो रही है, उसको शोहरत भी हासिल हो रही है, उसको दौलत भी हासिल हो रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशहाली है उसके घर में, लेकिन ये कि उसने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में दाखिल किया है, उसे उर्दू बोलने में थोड़ा सा एहसास कमतरी होता है और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में ढालने की और अंग्रेज़ी के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। तो सवाल यह है कि जब जो ज़बान हमको इतनी ज़्यादा इतनी दौलतें देती हैं, इतनी नेमतें अता करती है, इतने तोहफ़े देती है, उस ज़बान को हम क्या देते हैं, ये सोचने की बात है। उसके बाद उर्दू की तदरीस का एक ज़रिया तो मुनज़्ज़म ज़रिया है कि आप बाकायदा उर्दू क्लासेज जारी करके गैर उर्दूदार तबके को मधु करें और वहाँ पर उर्दू सिखाएं। लेकिन उर्दू की तदरीस का एक गैर मुनज़्ज़म तरीका ये हो सकता है कि हम जहाँ भी जाएं अपनी ज़बान की नुमाइंदगी करें, लेकिन ये कि हम जब भी ज़रा सा मतलब किसी बेहतर ऑफिस में किसी और के पास में जाते हैं, किसी मनसबदार किसी अहदेदार के पास में जाते हैं, तो हम जो है वो अपनी ज़बान को उसके कमरे के बाहर रख देते हैं और आगे बढ़कर जो है वो अपने आप को किसी और ज़बान के ज़रिए मुतारिफ कराते हैं। तो ये चलते फिरते हम जो है वो तदरीस का एक जो काम कर सकते हैं, उर्दू गैर उर्दूदा हलकों में एक उर्दू की मोहब्बत का चिराग जला सकते हैं, उस काम को हम पता नहीं क्यों बाला इताक रखे हुए और उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। उसके बाद इसी से मिलती जुलती हुई बात है कि हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि शायद हम एहसास कमतरी में मुब्तला है उर्दू के ताल्लुक़ से, कि शायद हम उर्दू में बात करेंगे तो सामने वाला हमारी बात को ठीक तरीके से समझेगा नहीं, हो सकता है कि वो हमारी तरफ तवज्जो ना दे, हो सकता है कि वो हमें हकारत की नज़र से देखे, हो सकता है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना। तो ये एहसास कमतरी है, इस एहसास कमतरी पर भी मैं सवालिया निशान लगा रहा हूँ और आपके दरमियान इस सवालिया निशान को छोड़ रहा हूँ कि भाई इस एहसास कमतरी से हम किस तरह से बाहर आएँ। उसके बाद ये कि एक बहुत बड़ा तबका है जो उर्दू में कशिश महसूस करता है, उर्दू का मद्दा है, उर्दू से रग़बत रखता है, उर्दू के अशार सुनता है, उर्दू वालों से मिलना चाहता है, उर्दू तकारीर सुनते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा हलका है और इस हलके में जितनी आबादी है वो अहले इस मुल्क में अहले उर्दू की जितनी आबादी है उससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन ये कि हम ना तो उस तबके की शनाख्त कर पाते हैं उस तबके के अफराद की, ना ही उन लोगों तक पहुंच पाते हैं और ना ही उनके इश्तियाक उर्दू को, उर्दू का जो शौक़ है उसको फ़रोग दे पाते हैं, उसको बढ़ा पाते हैं, चूँकि हम उनसे वाकिफ़ ही नहीं हैं और हम वाकिफ़ होने के मामले में बड़े तसाहुली का शिकार रहते हैं, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। चुनाचे आप महसूस करेंगे कि बिरादरान वतन में एक बहुत बड़ी तादाद है उर्दू से रग़बत रखने वालों की, उर्दू से मोहब्बत करने वालों की, और जब कभी एकाध शख्स से मुलाकात हो जाती है तो हमें पता चलता है कि साहब वो तो उर्दू का बहुत बड़ा शायक है, लेकिन हम जो है वो उस शख्स से चूँकि मुतारिफ़ नहीं है और हमने मुतारिफ़ होने की कोशिश भी नहीं की, ज़रूरत भी नहीं महसूस की, इसलिए जो है वो हम उसकी उर्दू से जो रग़बत है उसको बढ़ाने और उसको उर्दू की किताबें फराहम करने और उसके ज़रिए उर्दू की महफिलों में बैठने या बरपा करने के लिए उनकी खिदमत हासिल नहीं कर पा रहे। इसी तरह से एक बड़ा मसला जो है वो इस्तिलाहात का है और मैं चूँकि 5 मिनट हो चुके हैं इसलिए ये अपनी सारी बातों को बाला ताक रखते हुए फ़िलहाल ये आखिरी पॉइंट पर बात करता हूँ। एक मसला इस्तिलाहात का है और मुतबादलात का है। अब जो बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सब अंग्रेज़ी नाम लिए हुए आ रही हैं। अंग्रेज़ी से हमें बैर नहीं, अंग्रेज़ी सीखना चाहिए बल्कि अंग्रेज़ी में महारत हासिल करनी चाहिए और अहले अंग्रेज़ी से बेहतर अंग्रेज़ी बोलनी भी चाहिए, लिखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए और अपने आप को उसमें ढालकर पेश भी करना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेज़ी दानी जो है वो अपनी ज़बान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो मुतबादलात का जितने भी इन्वेंशन दरियाफ्तें हो रही हैं, इजादात हो रही है, सब एक अंग्रेज़ी नाम लेकर आ रही हैं। अब जो मोबाइल ईजाद हुआ तो वो मोबाइल नाम लेकर आ गया जो अंग्रेज़ी का है, जब रेफ्रिजरेटर ईजाद हुआ था तो उसने एक नाम लेकर आया, वो रेफ्रिजरेटर है। फिर इसी तरह से साइंस ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, माशियात में भी
और दीगर तमाम शोभा जात में जो है वो अंग्रेज़ी धीरे धीरे हावी होती जा रही है और हम गैर दानिस्ता तौर पे उर्दू अंग्रेज़ी को कबूल करते जा रहे हैं। और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप ये देखें कि दिन भर में अगर मान लीजिए कि आप 40,000 अल्फाज बोलते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 15,000 से 20,000 अल्फाज अंग्रेज़ी के होंगे। तो इस तरह से गैर शऊरी तौर पे नादानिस्तगी में ये सारे अल्फाज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और इस तरह इन अल्फाज के हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने पे बहुत बड़ा एतराज़ नहीं है। मुझे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर है कि इनकी जगह पर जो उर्दू अल्फाज हो सकते थे वो हमारी ज़िंदगियों से निकल गए। अब छोटी सी मिसाल ये है कि हम अपने घरों में बेडरूम को ख्वाबगाह नहीं कहते, हम अपने अपने घर में किचन को बावर्ची खाना नहीं बोलते, हम ये जो कलम लगाए रहते हैं उसको कलम नहीं कहते, है ना, हम जो पहनते हैं उसको कमीज़ नहीं कहते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे बहुत सारे, तो इस तरह समझ लीजिए कि हम पिछले 20 बरस में 30 बरस में 50 बरस में लातादाद अल्फाज हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू से निकल गए हैं। और अब मैं अखबार नवीस हूँ तो अखबार नवीस की हैसियत से बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ मुझे लिखना चाहिए, लेकिन ये कि मैं उस लफ्ज़ को उसको जो है वो मोतदिल कर देता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ, उसका मुतबादिल आसान लफ्ज़ लिख देता हूँ, इसलिए कि मुझे कभी कभी शुबा होता है कि शायद पढ़ने वाले इस लफ्ज़ को महसूस नहीं कर सके। एक छोटी सी मिसाल उसकी है कि एक मरतबा मैंने उस्ताद लिखा था, एक कारी का फ़ोन आया कि साहब आपने दाल पे नुक्ता क्यों लगा दिया, वो तो उस्ताद है, वो उस्ताद क्यों है। तो इस तरह से और दीगर बहुत सारे अल्फाज हैं, ये तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, बहुत आसान सा लफ्ज़ है, लेकिन बहुत सारे दूसरे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके ताल्लुक से लिखते हुए बोलते हुए ये सोचना पड़ता है कि क्या इसकी इस लफ्ज़ की तफहीम हो पाएगी। ये 5-6 बातें सवालात की शक्ल में मैंने आपके दरमियान रखी, इन पर गौर कीजिए और ज़रूर गौर कीजिए, इसको इस महफिल का कर्ज समझिए कि अगर आपने इस पर गौर किया तो इंशाल्लाह बहुत सारी राहें हमवार होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से अनमोल बातें जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी।